Miss UP 2012. हर साल ये है कि इन कंटेस्टेंट्स में से कई कंटेस्टेंट्स यूपी आज मिस यूपी कंटेस्टेंट का ग्रैंड फिनाले है। मिस यूपी जो आज इसका ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है और यहाँ पर आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ प्रेस से आए हुए सभी लोगों का, प्रशासन से आए हुए सभी लोगों का और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इस, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब ये प्रस्ताव अजय ने रखा था कि हम मिस यूपी कंटेस्ट कराने जा रहे हैं तो मुझे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोग्राम हो पाएगा। शर्मा और इवनिंग डायरेक्टर आंचल भट्ट जी और जिस नारी की हम पूजा करते हैं वो थे संसागर। आपने देखा है कि आपको पत्नी चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, बुआ चाहिए, लेकिन बेटी नहीं। ऐसा क्यों? क्या हमें ऐसा लगता है कि अगर बेटी हमारे घर पैदा हो जाएगी तो एक बिल्कुल बोझ आ जाएगा, हमें बहुत बड़ा दहेज देना पड़ेगा या हमारा वंश आगे नहीं चलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानते हो कि संसार देखिए हमारा देश जो है ना संसार में तीन एक अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला है शक्ति, दूसरा धन और तीसरी विद्या। और हम तीनों ही चीजों में शक्ति के रूप में हम दुर्गा की पूजा करते हैं, धन के रूप में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बुद्धि के रूप में हम सरस्वती की पूजा करते हैं। ये तीनों ही नारी स्वरूप है। हम तीनों ही नारी शक्तियों को पूजते हैं। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंगा का जीव पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। हो सकता है कि उनमें से कोई कल्पना चावला हो सकता है और गोगला लता मंगेशकर, मदर टेरेजा या इंद्र उड़ी। जब कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में कदम रखा तो हमारा सारा देश गर्व से सीना चौड़ा करके बैठा है कि हमारी भारत की बेटी अंतरिक्ष में गई है। अगर सपोज हम बेटी को जन्म देने से पहले ही मार देते तो क्या ये सौभाग्य हमें मिल सकता था? अगर बेटी बहुत ज्यादा मतलब ऐसा क्यों है हमारे समाज में? मैं आप वैसे भी देखेंगे दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम चल रहे हैं आप कभी भी एक लिस्ट उठा के देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो मैं आपसे यकीन दिला सकता हूँ कि उनमें से 95 उन वृद्धाश्रम में 95% वो माता पिता रह रहे हैं जिन्होंने बेटाओं को जन्म दिया है।